बड़ी साजिश है उसके पीछे और साजिश ये कि लोग बेचना चाहते हैं। ये पुलिस कब तक खड़ी रहेगी? जैसे ही पुलिस हटेगी हम लोग फिर जयंती को मनाएंगे, वहीं पर मनाएंगे। ये सरकार गूंगी बहरी तो है ही, लेकिन आजकल इसको दिखाई भी नहीं दे रहा है। आज ये त्योहार नहीं होता तो ये बल्लियां और ये बैरिकेडिंग और टीन के शेड समाजवादियों को नहीं रोकता। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र JPNIC पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के दौरे से पहले ही केंद्र को सील कर दिया गया, जिसके बाद से सपा कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद है। इस बीच अखिलेश यादव के घर से जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा बाहर निकलती दिखी, जिसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आवास से बाहर आकर JPNIC सील होने की वजह से इसी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। अखिलेश यादव ने माल्यार्पण के बाद मीडिया से बात भी की, सुनिए उन्होंने क्या कहा। माल्यार्पण नहीं करने दे रहे हैं, ये रोकने का काम ये नया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हर अच्छा काम रोका है, लेकिन आज हम लोग सड़क पे खड़े होकर के जननायक जयप्रकाश जी को याद भी कर रहे हैं। ये सरकार रोकना चाहती है कि हम माल्यार्पण न करें, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर सड़क पे ही माल्यार्पण कर दिया है। जयप्रकाश जी के नाम पर जो स्मारक बना है उसको इसलिए ढका हुआ है, कहीं साजिश है उसके पीछे और साजिश ये कि लोग बेचना चाहते हैं। सोचिए ऐसी सरकार जो म्यूजियम बेच रही हो, जननायक भारत रत्न जयप्रकाश जी के स्मारक को भी बेच रही हो, उससे क्या उम्मीद करोगे लोकतंत्र में? आज पुलिस ने रोका है, ये पुलिस कब तक खड़ी रहेगी? जैसे ही पुलिस हटेगी हम लोग फिर जयंती को मनाएंगे, वहीं पर मनाएंगे। भारत रत्न जयप्रकाश जी को हम लोग वहीं जाकर के सम्मान करने का काम करेंगे। ये सरकार गूंगी बहरी तो है ही, लेकिन आजकल इसको दिखाई भी नहीं दे रहा है। इनके विकास के काम तो रोके ही हैं, लेकिन सही मायने में देखोगे तो विनाशकारी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के लोग विनाशकारी लोग हैं, इन्हें कोई अच्छी चीज दे दो उसका विनाश कर देंगे। लोगों को पहले भी रोकने की कोशिश की थी, लेकिन आज क्योंकि नवरात्र की नवमी है, त्योहार के दिन भी सोचिए कैसा अधर्म का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि वो सभी त्योहारों को मनाती है, बताओ हम समाजवादियों को त्योहार भी नहीं मनाने दे रही है, हम लोगों को भी नहीं मनाने दे रही, अपने प्रेस के साथियों को भी नहीं मनाने दे रही है, पुलिस कर्मियों को भी नहीं मनाने दे रहे हैं। और सोचिए क्या साजिश है, खुद त्योहार मना रहे हैं और हम लोगों को त्योहार नहीं मनाने दे रहे हैं। ये अगर त्योहार नहीं होता, आज ये त्योहार नहीं होता तो ये बल्लियां और ये बैरिकेडिंग और टीन के शेड समाजवादियों को नहीं रोकता। चलवा रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं, समय समय पर जननायक जयप्रकाश जी उनके बारे में वो उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी, ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें। क्योंकि बिहार के नीतीश कुमार जी इसी आंदोलन से निकले हैं, जननायक जयप्रकाश
बनाया है। समाजवादी चिंतक जयप्रकाश जी, समाजवादी विचारक, आजादी की लड़ाई में भूमिका निभाने वाले, गांधी जी के साथ रह करके उस आंदोलन को और बढ़ाने वाले, ऐसे लोगों को आज हम सम्मान से रोक रहे हैं। लेकिन हम समाजवादी लोग जिस तरीके से सम्मान देते रहे उसी तरीके से सम्मान करते रहेंगे, क्योंकि नवरात्र है, त्योहार है, इसकी आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ।